ये रही कि ब्रेन पानू ने बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी का संदेश लिखा पोस्टर भी फहराया। ब्रेन पानू की कामयाबी पर सांसद राजकुमार सैनी ने खुशी का इजहार किया है, शुभकामनाएं दी हैं। और वहीं सैनी ने इस दौरान जाट नेता यशपाल मलिक पर चंदा हड़पने का आरोप लगा दिया। यूरोप की एल्बर्ट चोटी पर हिसार के वीरेंद्र पन्नू ने फतह हासिल की है। वीरेंद्र पन्नू ने चोटी फतह करने के बाद तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान खास बात ये रही कि वीरेंद्र पन्नू ने कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी का संदेश लिखा पोस्टर भी फहराया। वीरेंद्र पन्नू की कामयाबी पर सांसद राजकुमार सैनी ने खुशी जाहिर करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जाट समाज का होने के नाते पन्नू ने एक अच्छा संदेश दिया है। सैनी ने इस दौरान देश भर में सभी को 100% आरक्षण देने की वकालत भी की। माउंट एवरेस्ट से दूसरे नंबर की जो एवरेस्ट चोटी है यूरोप के अंदर, वहां पर उन्होंने मेरे नाम का झंडा गाड़ करके ये संदेश देने का प्रयास किया है कि राजकुमार सैनी जो कह रहा है कि 100% सबको आरक्षण दिया जाए, एक परिवार में एक रोजगार दिया जाए और किसान मजदूरों को इकट्ठे जोड़ा जाए और देश के अंदर से राज्यसभा को समाप्त करके प्रजातंत्र बहाल किया जाए, इस व्यवस्था को उन्होंने मेरा वहां पर झंडा लगा करके जो संदेश देने का प्रयास किया, मैं उनको नमन भी करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और उनको सलाम करता हूं कि इस जज्बे के साथ भाई पन्नू जी आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूं, धन्यवाद। बीजेपी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने यशपाल मलिक से धरनों के दौरान आए चंदे का हिसाब देने की मांग करते हुए कहा कि यशपाल मलिक को जनता को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि यशपाल मलिक ने न सिर्फ चंदे का पैसा खाया है बल्कि लोगों के बीच का सद्भाव भी खत्म करने की कोशिश की है। यशपाल मलिक ने सिर्फ हमारे हरियाणा प्रांत के गरीब लोगों का चंदा चंदा ही नहीं खाया, पैसे ही नहीं खाए, वो तो भाईचारा भी खा गया। और ऐसे लोगों के खिलाफ जब ऑलरेडी देशद्रोह के मुकदमे हैं, अब तक तो ये तिहाड़ जेल में मिलने चाहिए थे। और जो लोग इनसे हिसाब मांग रहे हैं, अगर दूध का धूला है तो हिसाब दे करके फिर जनता में जाकर के अपनी सफाई दे। राजकुमार सैनी ने जहां वीरेंद्र पन्नू की कामयाबी पर खुशी जाहिर की, वहीं उन्होंने विरोधियों को आईना भी दिखाया। ऐसे में देखना होगा कि विरोधी सैनी की बयानबाजी पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। दिल्ली से दीपक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।